उनका संकल्प है कि आने वाला 2030 तक इस देश में 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन हो और उस क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ का भी काफ़ी योगदान रहेगा। हम लोग सोलर के सेक्टर में, हाइडल में और बायोगैस में सब में अच्छा काम कर रहे हैं और अभी हमारे प्रदेश का खपत कुल 5,500 मेगावाट है, जिसमें से करीब 15% हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में आधारित हैं। इसको हम लोग आगे ले जाके 45% तक बढ़ाने वाले हैं। इस तरह से जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का भी योगदान रहेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ राज को भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया है। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ राज का निर्माण किया है। तो हम लोगों ने वहाँ पर एक नारा दिया है, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। और 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में वहाँ का चहुंमुखी विकास किया है और अभी फिर से 2023 के विधानसभा चुनाव में वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया है। तो हम ही लोग छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास करेंगे। अभी 9 महीने हुए हैं हमारी सरकार को और 9 महीने में मोदी की गारंटी, जो पिछले विधानसभा के चुनाव में जो वादा था, उसमें से बहुत सारे बड़े बड़े काम हम लोगों ने पूरा किया है और आगे छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाएंगे।